नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nokia G21 versus Tecno Camon 18 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nokia G21 में 6.48 इंच जबकि Camon 18 में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nokia G21 में 2.99 इंच जबकि Camon 18 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Nokia G21 में 0.33 इंच जबकि Camon 18 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Nokia G21 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Nokia G21 में 190 ग्राम जबकि Camon 18 में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Nokia G21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Nokia G21 में 20:9 जबकि Camon 18 में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nokia G21 में 6.5 इंचेस जबकि Camon 18 में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nokia G21 में 720x1600 और Camon 18 में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nokia G21 में 81.65% जबकि Camon 18 में 85.05% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nokia G21 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Camon 18 में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nokia G21 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 18 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nokia G21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Camon 18 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nokia G21 में Mali G57 जबकि Camon 18 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nokia G21 में Unisoc T606 और Camon 18 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Nokia G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB की RAM मिलती है जबकि Camon 18 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nokia G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Camon 18 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nokia G21 में अप टू 512 GB जबकि Camon 18 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Nokia G21 में 5050 mAh जबकि Camon 18 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nokia G21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें कैमन 18 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो नोकिया G21 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो कैमन 18 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नोकिया G21 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में कैमन 18 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A22 है, दूसरा नोकिया C30 है, तीसरा शाओमी रेडमी 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो 55G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।